इंदौर में आजाद नगर स्थित एमआर क्लासेस के डायरेक्टर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर होनार बच्चे पर मेहनत कर ली जाए तो बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। इसी कोशिश में हमारी टीम लगी हुई है। नतीजा यह है कि आज उनकी कोचिंग क्लास से हर वर्ष बच्चे टॉप करते हैं। एमआर क्लासेस के विशेष अतिथि नेता प्रतिपक्ष शेख आलिम का कहना है कि ये लोग उनके क्षेत्र में बहुत अच्छे से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर और कोचिंग क्लासेस खोलेंगे ताकि इंदौर की युवा अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर देश का नाम गौरवान्वित करे। बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और कुछ बच्चों को जब मैंने थोड़ा एक आध साल ऐसे ही शौक के तौर पर पढ़ाया, इंटरेस्ट के तौर पर, तो मैंने इनको देखा कि इनके अंदर टैलेंट इतना ज़्यादा है इस कम्युनिटी के अंदर, बच्चों के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अच्छे टीचर नहीं मिलने की वजह से, अच्छी कोचिंग नहीं मिलने की वजह से बच्चे पिछड़ रहे हैं। तो मेरे मन में ये आया कि काम करते हैं, मैं IAS की तैयारी तो कर ही रहे हैं अपन, लेकिन पार्ट टाइम इन बच्चों का भी भला हो जाए और अपना भी थोड़ी बहुत अर्निंग चलती रहे। तो मैंने सबसे पहले तो 1-2 साल 3 साल फ्री ऑफ बच्चों को इंटरेस्ट के तौर पे बच्चों को पढ़ाया मैंने, और फिर मैंने देखा कि 1-2 साल के अंदर ही कुछ बच्चे मेरे यहाँ से 90% लेके आ गए, कुछ बच्चे 85% लेके आ गए, और जबकि वो बच्चे मेरे पास पहली बार कुछ 4-5 महीने ऐसे पढ़े। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब थोड़ा सा कुछ बच्चों को, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने को कोचिंग देनी है। तो सबसे पहले तो जुलाई और अगस्त में मैंने स्टार्ट किया कि जुलाई, अगस्त या जून में बच्चों को पहले बेसिक सिखाया जाए, जैसे बायोलॉजी का बेसिक्स, केमिस्ट्री का बेसिक्स, मैथ्स का बेसिक्स, और उसके बाद उनको जो भी उनका सिलेबस है वो पढ़ाया जाए। रही बात प्लानिंग की, तो प्लानिंग सबसे पहले मैंने ये की कि मैंने बाहर भी सर्च किया, लोगों से भी पूछा, यहाँ फीस इतनी ज़्यादा है, अनअफोर्डेबल, यहाँ के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसी वजह से वो या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, अधिकतर लड़कियाँ, गर्ल्स जो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ाई छोड़ देती हैं, बाहर आने जाने में प्रॉब्लम। तो दूसरी मैंने कहा कि नहीं, अपन बच्चों को दूसरी कोचिंग से 1/4 फीस, या जो नहीं दे पा रहा कोई दिक्कत नहीं, आप फीस मत दीजिए, आप आके पढ़िए। मैंने देखा कि जिनके अंदर टैलेंट है पर फीस नहीं दे पा रहे हैं, 1/4 फीस भी नहीं दे पा रहे हैं दूसरे बच्चों से, या कुछ भी नाम मात्र की फीस भी नहीं दे पा रहे, तो उन बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स से बात की, उनको समझाया, और कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके पेरेंट्स को समझा सकता था उनको समझाया कि नहीं, आप बच्चों को पढ़ने पहुँचाइए, हम पढ़ाएंगे, फीस की चिंता आप मत सर। आपका और आपकी टीम का मेन उद्देश्य क्या है? टीम, हमारी टीम और हमारा मेन उद्देश्य तो यही है, हमारी कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं, नीट, PMT, IAS, IPS, SSC, PSC जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें टॉप करें और वहाँ पर रैंक लाएँ। मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स भी जाएँ, बॉयज़ भी जाएँ। अभी आपके यहाँ के जो खुद अपने लोकप्रिय नेता है पार्षद जी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है और कि लाइब्रेरी वगैरह खोली है उन्होंने, उसे ऐसा प्लान किया है 1 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी वगैरह खोल रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो नीट की तैयारी, IIT, JEE, IAS, PSC की तैयारी करना चाहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की भी उन्होंने बात रखी है कि हम उसके लिए भी आगे बात करेंगे। और जो गर्ल्स हैं और उन लोगों के लिए फ्री ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी उन्होंने वाटर पम्प मैदान पे कुछ लागत से बनवाए हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और ट्रेनर भी वगैरह रखे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इस वर्ष कितने टॉपर बच्चे हैं आपके क्लास? इस वर्ष मेरे यहाँ 30 टॉपर्स हैं, 30 से 35 बच्चे टॉपर्स हैं 10th 12th मिला के। और ये जो टॉपर्स हैं ये विदाउट रिसोर्सेज हैं, मतलब टॉपर्स देना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपर्स घर में बैठ के भी आ जाता है, लेकिन विदाउट रिसोर्सेज इन बच्चों ने टॉप किया है। बस थोड़ी सी मेरी मेहनत तो मतलब 5%, 10%, 20% रही, लेकिन इन बच्चों ने थोड़ा सा मुझे मेरे इंस्पिरेशन से जो टॉप किया, मिनिमम रिसोर्सेज से। कई बार ऐसी भी हालात कुछ बच्चों के साथ बने कि बुक्स नहीं है, कई बार ऐसे भी हालात बने कि सर हमें पेरेंट्स यहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही, तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की। कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा भी परेशान किया गया, तो हमने इसके लिए आज़ाद नगर थाने से में भी बात की, कुछ मित्र हैं कांस्टेबल वगैरह, उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप चलाइए, हम आपकी जैसे तैसे हेल्प करें। इस कोचिंग क्लासेस को आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? नहीं, कोचिंग क्लास तो हम 10th और 12th है, बाकी अगर बच्चे कुछ चाहते हैं हमसे नीट के लिए, PSC के लिए गाइडेंस करें, तो उसके लिए हम अभी भी गाइडेंस देते हैं और बाद में भी गाइडेंस देते रहेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम पहले तो ग्राउंड टू अर्थ बच्चों को रख के पढ़ाते हैं, टेबल चेयर की व्यवस्था नहीं है, नीचे बिठा के बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी बात, जैसे कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि किताबें नहीं, तो बच्चे मेरी किताबें ले जाते हैं, मैं खरीद के ला के बच्चों को, ये किताब ले जाइए आप पढ़िए। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रहीम, MR क्लासेस के क्लासेस पर आए हैं, तो सर आप सबसे शुरू करो, आपने क्या देखा, क्या पाया? MR क्लासेस में आज आकर मुझे बड़ी खुशी हुई,
कि आज़ाद नगर क्षेत्र में बहुत अच्छी क्लास चल रही है, जो बच्चों को 10th 12th में है के साथ साथ उनको आगे BSc PAT और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे करना उन सब चीज़ों की तालीम दे रहा है, साथ में दीन और दुनिया से जोड़कर पढ़ाई करवा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो बच्चे देखे मैंने अभी इनामत दिए 30 से 35 बच्चों को जो 10th और 12th में अच्छे नंबर लाए, रहीम सर की मेहनत है और यहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत कर रही, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में जो बच्चे जिनको इनामत दिए इन्हीं में से कोई IAS IPS बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे क्षेत्र को MR क्लासेस के तरफ से मिलेगी। मैं रहीम सर को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज़ाद नगर क्षेत्र के लिए एक अच्छा काम किया। मेरा बहुत दिल खुश हुआ कि हमारे क्षेत्र में कोई एक नौजवान है जो खुद भी PSC की तैयारी और IAS की तैयारी कर रहा है, साथ में हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनको भी तैयारी करा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, आने वाला कल इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। सर जैसे कि अभी कांग्रेस की सरकार है तो सर आप बहुत अच्छे पार्षद हैं, आगे बहुत चाहिए पार्षद हैं, सर आपकी तरफ से सरकार की तरफ से बच्चों के लिए कुछ बिल्कुल हम आने वाले टाइम में हमने 1 करोड़ रुपये की लागत से आप आज़ाद नगर चौराहे पर देखिए जाकर वहाँ पर वो बन रहा है कोचिंग क्लास और लाइब्रेरी बन रही है। इसके अलावा 3 स्कूल हम बनवा चुके हैं, 4th कन्या विद्यालय नूरी नगर के वहाँ बन रहा है। यहाँ जो चौराहे पर जो लाइब्रेरी बनेगी इंशाल्लाह उसमें हम IAS IPS और इसकी कोचिंग क्लास भी इन बच्चों के लिए शुरू करेंगे। सर प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या तर्ज देना चाहेंगे? प्राइवेट स्कूलों के लिए ये कि उस अगर उन्होंने कोई भी धंधा खोला है या व्यापार खोला है तो वो दोनों चीज़ पे ध्यान दे, अपने व्यापार के हिसाब से भी उस पर ध्यान दें, साथ ही जो बच्चे उनके वहाँ आकर फीस दे रहे हैं उनके करियर पर भी ध्यान दें और उनका अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। सर आपका नाम? शेख अलीम, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अभी आप कौन सी कोचिंग क्लासेस में शिक्षा लेना चाहते हैं? 10th में, 11th में अगर सर फॉर्मेशन फील्ड में है तो हम जरूर सर के पास जाएंगे। जो आपने क्या परसेंटेज रहा आपका 10th का, 84% बना, इसके लिए आप किसे मानते हैं अपना गुरु मानते हैं, किसकी मेहनत से इतना अच्छा परसेंटेज आपने बना पाए? इंस्पिरेटेड तो हम सर से हैं, सर बहुत अच्छी गाइडलाइन सराउंडिंग। आगे चलने की क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे आप? अभी 12th के बाद हमने क्या करना है अभी सोचा नहीं, बट कॉमर्स लिया है, इनफैक्ट सर की तो फील्ड बहुत अच्छी है। कॉमर्स में सर से क्या उम्मीद है? जो भी उम्मीद है मतलब बहुत अच्छी है। आपको लगता है सर एंड सर की टीम बेस्ट है? यस ऑफकोर्स। आपका नाम बताएं? उस्मान शेख। अभी आपने क्या पास आउट किया? फुल क्लास से 10th पास। क्या परसेंटेज रहा? 90। क्या लगता है आपको कितनी क्या मेहनत करना पड़ती है अच्छे से नंबर पाने के लिए? 6% सर, सर का कोऑपरेशन सर जिसमें मतलब हो सके उतना सर और क्या मतलब अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी। सर ने क्या क्या सिखाया आपको? सर ने पूरा बेसिक सिखाया और सर बेसिक थ्योरी इजीली बोर्ड पे लिखवा के पूरे डायग्राम के साथ साइंस में और मैथ्स की पूरी थ्योरी अच्छे से समझा कर। क्या लगता है आपको कि जो सर मेहनत करते हैं वास्तव में तारीफ आगे में? सर सर बहुत आगे जा सकते हैं, सर पूरा कॉपरेशन देते हैं बच्चों को। अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं आपने? आप एक युवा IIT युवा है, फिर आगे चल के राजनीति में कितने चले जाएंगे आप, नेता वगैरह बनने? IIT करना है, IIT करना है। उसके बाद क्या प्लान है? उसके बाद जॉब, IIT पास आउट करके फिर जॉब करना। चलिए मान लीजिए आपने IIT पास आउट किया, आपके बच्चे पर बढ़िया गर्दे पर जॉब लग गई, उसके बाद आप सर का धन्यवाद किस प्रकार से अदा करेंगे? सर पूरा मतलब सर हमने कोचिंग से पूरा सहयोग करेंगे। आपका नाम बताओ? दानिश। आप इस कोचिंग क्लासेस में आए? जो PSC करने का आप बोल रहे हैं, आपने सोच रखा है, इसकी थिंकिंग आपके माइंड में कैसे क्या बनी? हमें सर से इसका मोटिवेशन मिला, जब हम सर के पास कोचिंग आते थे तो सर ने इसके लिए बहुत इंस्पायर करा UPSC की कोचिंग के एग्जाम। इसके बाद आपके क्या प्लानिंग रहेगी? आगे इसके बाद हम UPSC की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे हम और BSc से ग्रेजुएशन। आपका नाम बताओ? मीर शेख। आप यहाँ पे आज़ाद नगर इतनी सारी कोचिंग क्लासेस है, सब एक से एक अच्छा प्रबंध है, देख लिया आपने सर किसी कोचिंग क्लास में चुना? क्योंकि सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और सर हर टॉपिक्स को बहुत इजी तरीके से समझाते हैं, जो समझने में आसान रहता है, और सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए हमने ऐसी कोचिंग। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
उसी स्कूल में और सर की क्लास में क्या फर्क है? वहाँ पे टीचर सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं और सर थ्योरी को एकदम रियल तरीके से समझाते हैं, जो समझने में आसान रहता है, वहाँ टीचर सिर्फ बोर्ड पे लिखवा के चले जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस के अलावा आपने किसी और कोचिंग क्लासेस में कभी ट्राई किया इससे पहले? जी नहीं, कभी अभी नहीं किया। क्या मानना है आपका, सर की मेहनत कितनी है सर के और सर की टीम की? सर की मेहनत पूरी है, हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं करी, हम तो बहुत मेहनत करी सर, हमें हमेशा कभी भी कंसल्ट करना होता फ़ोन करके कर लेते सर से, सर हमेशा। इस कोचिंग क्लासेस को लेकर आगे और आपकी क्या उम्मीद है? ये कोचिंग बहुत आगे जाएगी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और सर नीट की भी तैयारी करवा सकते हैं सर, MPBSC सबका नॉलेज है सर। अभी कौन सी क्लास में आप? अभी हमने 12th पास किया। अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे हम BHMS में जाएंगे। तो सर की कुछ गाइडलाइन वगैरह कुछ देंगे आप सर से, कुछ उम्मीद रखते हैं? जी सर, सर ने तो हमें पहले ही बोल रखा है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे कंसल्ट। आप BHMS करेंगे तो उसमें आपको क्या लगता है BHMS का बैकग्राउंड या फील्ड रहेगा उसमें? सर हम होम्योपैथी करेंगे और बहुत अगर या फिर आपकी ये थिंकिंग है कि जो एलोपैथी से जो पब्लिक को नुकसान हो रहा है, आप उन आपको लगता है कि आप BHMS के द्वारा उस चीज़ों को बचा पाएंगे, रोक पाएंगे? यस सर, होम्योपैथी एक उस पर भरोसा किया जा सकता है, उससे लोगों को रिएक्शंस नहीं होती है उसकी थियरी की, इसलिए BHMS अच्छा। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? सब सर ने जानकारी। आपका नाम बताओ। शुक्रिया।